अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये शाही मूंग दाल की कतले की रेसिपी, जो कि इतनी सॉफ्ट बन के तैयार होगी और इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी कि आप हर मिठाई को हटा देंगे इसे खाने के लिए। तो मूंग दाल का हलवा तो आपने खाया होगा, क्या आपने ये मूंग दाल की कतली खाई है? नहीं खाई तो अभी जाके ट्राई करें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में और बहुत ज़बरदस्त होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मूंग दाल ली है और जो कि बिना छिलके की है, और इसे हमें क्या करना है, डाल देना है एक कुकर में, और कुकर में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो दालों को मैंने डाल दिया है कुकर में, अभी पानी डालकर हमें इसे अच्छे से वॉश करना है। 2-3 बार पानी से वॉश कर ले इसको, अच्छे से ये साफ़ हो जाए। उसके बाद हम इसका पानी जो है अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे, बिल्कुल छान लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप मिल्क। तो जी ये मैंने लगा दी सीटी और इसे 1 से 2 सीटी आने देनी है, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है वरना नीचे से पकड़ लेंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध लिया है और जिसमें मैंने केसर के धागे डाले हैं कुछ, इसे डालकर अच्छे से मिक्स करना है और इसे एक साइड कर देना है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। उसके बाद चलिए हमें बनानी है चाशनी, और जिसके लिए हमें चाहिए 3 कप दूध। तो आप सोचेंगे चाशनी तो दूध से नहीं बनती? जी बनती है, बहुत ज़बरदस्त बनती है, एकदम शाही वाली जो बर्फी बनेगी ना तो इसी से बनेगी। तो आप क्या करें, 1 कप डाल दें इसमें शक्कर। तो अभी हमें इसे चढ़ा देना है चूल्हे पे हाई फ्लेम करके। उसके बाद देखिए ये जो दाल है हमारी 2 सीटी में परफेक्ट सी तैयार हो गई है, तो इसे अच्छे से हमें ठंडा होने देना है। उसके बाद इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है बिना पानी डाले, तो ज़रा सा भी पानी ना डाले। तो देखिए जो चाशनी हमने चढ़ाई थी वो पकना स्टार्ट हो गई है, जैसे ये पकने लगे आप फ्लेम को लो कर दें। और आप क्या करें कि थोड़ा बड़े से बर्तन में इसे चढ़ाएं, मेरी तरह छोटे वाले में ना चढ़ाएं वरना ये उबल के गिरने लगेंगी। तो अभी चलिए हमें क्या करना है, एक कढ़ाई में लेना है 100 ग्राम घी, यानी कि 1/4 कप घी, और इसमें हमें डाल देना है अपनी ग्राइंड की हुई मूंग दाल, और इसे अच्छे से हमें भूनना है, वो भी फ्लेम को लो करके भूनेंगे हम इसे। तो बहुत अच्छे से चलाते हुए, लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे, बहुत ही अच्छे से भूनना है, इसका जो अपना कच्चापन है वो निकल जाए और बहुत अच्छे से स्मेल आने लगेगी, कलर इसका चेंज हो जाएगा, और ये बहुत जैसे ये भुना जाएगा ना अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छे से भून गया है। तो आगे चलिए देखते हैं। तो इसी तरीके से हाथों से चलाते हुए लगातार आपको भूनते रहना है, ज़रा सा भी रुक जाए तो नीचे ये पकड़ लेंगी। तो एक दफ़ा यहाँ पर चेक कर ले, हमारी जो चाशनी है वो आधी हो गई है पककर और बस थोड़ी रह गई है इसको पकने में। देखेंगे आप ये अच्छे से पक जाएंगी कुछ इस तरीके से, ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगे आपकी आपको ये बिल्कुल मिल्क मेड जो होता है ना उसकी तरह पक्के हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इसको पकाना है। तो बहुत अच्छे से पकाने के बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है, अभी हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको कर देना है साइड। तो बस ये तैयार है। तो चलिए अभी देखते हैं दाल की तरफ, जो हमने भून रही है, हमारी दाल जो भून रही है वो बिल्कुल अच्छे से भून कर हो गई है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम घी फिर से ऐड कर दिया इसमें, तो आप ज़रूर डालिएगा। देखिए ये बिल्कुल
दानेदार जैसी होगी ये दाल, तो आप देखेंगे इसे खुद अपने आप दिखेगा कि ये दाल बिल्कुल भून के तैयार हो गई है। ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से भुन गई है। अभी थोड़ा सा और रह गया इसे भूनने को, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें जो चाशनी हमने तैयार की थी वो डालकर भूनेंगे। तो सारी चाशनी इसमें ऐड कर दे और फ्लेम को आपको करना है हाई। तो इस स्टेज पे आपको फ्लेम हाई करके फटाफट से हाथों से चलाते हुए भूनना है, तब तक जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए एक दूसरे में, तब जाके आपको फ्लेम को लो करना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है, अभी फ्लेम को लो कर देना है और इसे अच्छे से भूनना है ताकि ये कढ़ाई छोड़ दे और एक दूसरे में सिमट जाए। तो बस इसे अच्छे से भून ले। इसे चलाते हुए भूनते जाएं। उसके बाद हमें यहाँ पर ऐड कर देना है मिल्क, जो कि ज़ाफ़रान को हमने सोक करके रखा हुआ था उसे ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। काफ़ी अच्छा कलर आता है इसे। तो अभी ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी जो बर्फी है। बस इसमें हमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट, और देखिए ये कढ़ाई छोड़ दिया है इसने। तो अभी ये बिल्कुल तैयार है, फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और इसे कर लेना है थोड़ा सा ठंडा। तो इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, एक बड़ी सी थाली लेनी है या फिर कोई बर्तन जैसा हो आपके पास, इसमें डालना है घी और अच्छे से अप्लाई कर लेना है। बहुत अच्छे से अप्लाई कर लें घी को। उसके बाद हमने जो अपनी मूंग दाल की बर्फी बनाई है उसको इसके ऊपर डालेंगे और सारी अच्छे से हमें फैला लेना है, इसके ऊपर फ्लैट कर लेना है। तो हल्का सा गर्म हो तभी आप करें, वरना ये अच्छे से वैसे ठंडी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्ट ही रहती है तो आप इसे आसानी से फैला सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से फैला लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट कट करके डाल दे इस तरीके से, और इसे हाथों से प्रेस करके चिपका दे ताकि ये निकले ना। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिए है कुछ चांदी के वर्क, अगर आपके पास हो तो डालें वरना ना डालें। और आप अगर चाहें तो इसे अच्छे से ठंडा होने दे, जब बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए तब जाके कट करें। मैं तो अभी कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है इसे खाने की। तो इसे फटाफट से कट करें और सर्व करें। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लगता है, बिल्कुल देसी घी जैसे मुंह में घुलती है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन फल बहुत ही मीठा होगा। तो आप इसे फटाफट से जाइए बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।